वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर दराश प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन की खिदमत, खुदावन की प्रस्तिश करना कितना ही खूबसूरत है। पर अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा ने बनी नो इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो उसके साथ उसका एक मददगार भी बनाया। और उस मददगार का काम ये था कि वो अपने अपने पार्टनर को उसकी मदद करें। तो आज हमारे दरमियान भी एक मददगार मौजूद है। तो पास्टर सलीम अनायत की मिसेज, उनकी अहलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिसेज सलीम अनायत, वो भी खुदावन की प्रस्तिश करती हैं, खुदावन की हमद और सताइश करती हैं, खुदा के खादिम के साथ। मिसेज गुलनाज सलीम, आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है? जी, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज ये मौका बख्शा कि JCTV के रेफरेंस से आज हम बहुत से लोगों तक खुदा उनकी प्रस्तिश को जो है वो पहुँचा सकते हैं और खुदा की कलाम की अच्छी बातों को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि नाज़रीन ने भाई सलीम अनायत के खूबसूरत गीतों को सुना है, आप भी खुदा के खादिम के साथ प्रस्तिश का इस खूबसूरत काम को, इस खूबसूरत खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। कैसा लग रहा है आपको ये सारा खुदा के खादिम के साथ इकट्ठे मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करना? जी, बहुत अच्छा लगता है, चूँकि खुदावन ने अब हमें इस काम के लिए चुन लिया है। तो इसके लिए, चूँकि अभी बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी जब बड़े हों तो इस मिनिस्ट्री में, सलीम अनायत वर्शिप मिनिस्ट्री में, वो सब भी इसी तरह से खुदा की खिदमत करें और मैं भी उनके साथ मिलके खुदा का काम करती हूँ। हमें खुदा ने चर्च की खिदमत दी है, मिनिस्ट्री की खिदमत, और बहुत सी जगहों पर हम जाके खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं वर्शिप के हवाले से। तो क्या सलीम साहब की कोई वो ज़बरदस्ती की ख्वाहिश थी कि गुलनाज तुमने ये काम हर सूरत में करना है, अगर तुम ये नहीं करोगी तो फिर जो है हमारे घर में मसले रहेंगे, तो तुमने हर सूरत में गाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब हम खिदमत में होते हैं तो खुदा का रुख खुद ही हमें गाइड करता है और वो खुद ही हमें बता देता है कि इस लायक तुम हो। तो खुदा ने जो जो तोड़े हमें दे रखे हैं हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम उन तोड़ों को दबाएं। अब हमें खुदा ने ये विरासती तौर पे गिफ्ट दे दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों तक खुदावंद की ये बरकत जो है वो ट्रांसफ़र हो। सिस्टर, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने मौसीकी का आगाज़ कब किया, आपके उस्ताद कौन है, कहाँ से आपने सीखा? वैसे तो हम चर्च में क्वायर में मैं गाती थी काफ़ी सालों से, 5 या 6 साल से तकरीबन गा रही थी, लेकिन बकायदा जो सीखने का आगाज़ है वो मैंने इसी साल किया है। और जिस तरह से अभी आपके सामने सलीम साहब ने बताया, पास्टर बशीर शाद साहब हैं जो कि मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे बच्चों को भी सिखाते हैं और सलीम साहब को भी सिखाते हैं। दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन जो हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम मिसेस सलीम अनायत से खूबसूरत गीतों को सुनें। तो आज आप हमारे दरमियान कौन सा गीत सुना रही हैं? आज जो मैं आपके सामने पहला गीत पेश करने जा रही हूँ वो है पंजाबी सॉन्ग, और खुदा के बंदा पास्टर बशीर शाद साहब का ही लिखा हुआ है। इस गीत के बोल यूं हैं, आजकल दुनिया ते यीशु जदों आवेगा अपने बंदियां नूं नाल लेके। आजकल दुनिया ते यीशु जदों आवेगा, आजकल दुनिया ते यीशु जदों आवेगा अपने बंदियां नूं नाल लेके जावेगा। आजकल दुनिया ते यीशु जदों आवेगा।
अपने आ बंदियां नाल लेके जावे।
अजीज़ों, यकीनन आप इन तमाम गीतों से बरकत पा रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि आप खुदा की प्रस्तिश में, उसके जलाल में आगे बढ़ें। हमारे दरमियान पास्टर सलीम अनायत और उनकी मिसेज मौजूद हैं और हमने उनसे बहुत से सवालात किए हैं, उनके खूबसूरत गीतों को सुना है और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बरकत पाई है और आप बरकत पा रहे हैं और इनकी खिदमत के वसीले से बहुत से लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। यकीनन खुदा की खिदमत और उसकी परस्तिश करना आसान है। हमारे दरमियान मिसेस सलीम अनायत हैं और मैं उनसे एक वाहद सवाल ये करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ हमारी कलीसियाओं में हमारी बहनें खुदावन की परस्तिश में मशगूल हैं, आप उन बहनों को जो खुदावन की परस्तिश कर रही हैं, हम्द सना करती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी मेरी सब बहनों से, अपनी बेटियों से और उन सब से जो खुदावंद की खिदमत करना चाहती हैं, जिस तरह से कि इस माशरे में मर्द हर काम में बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, प्रस्तिश में अगर कलाम सुनाना हो तो उस खिदमत में, आप भी खुदावंद आपको जिस खिदमत के लिए चुनता है आप उसमें ज़रूर खड़े हों। अगर आप किसी म्यूज़िक में इन्वॉल्व हैं तो आप म्यूज़िक बजा के खुदावंद की प्रस्तिश कर सकते हैं, अगर आप गाना चाहते हैं तो गा के, अगर आप कलाम के वसीले से खुदा की मनादी करना चाहती हैं तो आप ज़रूर वो कीजिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले खुदावंद है और बाकी सारे काम बाद में हैं। हमें चाहिए कि हम खुदावंद का काम करें, जिस तरह से बाइबल में बहुत सी औरतों के करेक्टर्स हैं, रूथ का, आस्तर का, हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसे मरियम की तरह अपने आप को हर वक्त खुदावंद के हजूर में हाजिर रखें और उसका काम करें। हालेलुया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, यकीनन आपने उससे बरकत पाई है और मेरी कोशिश है, हम सब बहसियत एक टीम, हमारी सब की कोशिश है कि हम इसी तरह आप तक इन खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर आते चले जाएं। मेरे अज़ीज़ो, यकीनन आप इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं, यकीनन आप इस परस्तिश के प्रोग्राम से महसूस हो रहे हैं और आप नए नए गीत सीख रहे हैं, नए नए गीतों की धुनें सीख रहे हैं और नए नए प्रस्तारों से आप मिल रहे हैं। यकीनन हमारी कोशिश ये है कि हम दाराश प्रोग्राम के वसीले से, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के वसीले से, हम आप तक उन नए चेहरों को लेकर आएँ, उन नई आवाज़ों को लेकर आएँ, उन प्रस्तारों को लेकर आएँ जो खुदा उनकी परस्तिश जा बजा कर रहे हैं। लास्ट सॉन्ग जो है हम मिसेस गुलनाज सलीम अनायत से सुनेंगे और मैं चाहूँगा कि मैं उनसे पूछूं कि वो लास्ट सॉन्ग कौन सा गा रहे हैं। अब जो गीत मैं आपके सामने पेश करने को हूँ वो है, यसु तेरा प्यार ना भूलूं, सूली पे इजहार ना भूलूं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस गीत से महजूज होंगे। नाज़रीन, आप इस खूबसूरत गीत को खुदा की खादमा मिसेस सलीम अनायत से सुने और मुझे दें इजाज़त। यकीनन नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर नए प्रस्तार के साथ, नए म्यूजिशंस के साथ, नई शायरी के साथ, नए गीतों के साथ फिर से हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपका हामी बना सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।
इज़हार